जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रिज पे। तो साथियों, सीआईडीएस अगर आप कीजिएगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आप लोगों को मिलेगा, जिसको कि पीओटी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या फिर ट्रेनिंग मेथोलॉजी थ्योरी, ठीक है, टीएमटी। तो ये जो पेपर होता है सबसे टफेस्ट पेपर में से एक होता है। तो इसका हम लोग जो है पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं, पूरा जो भी डर है आपका पूरा खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पे तीन वीडियोस आप लोग के लिए लाएंगे, तीन मॉड्यूल में लाएंगे, जहाँ की टोटल 300 क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और इसी से सारा क्वेश्चन आएगा। पिछले बार इन पीडीएफ से लड़के अगर जो पढ़ पढ़ के गए थे वो 100 out of 100 लाए थे। यहाँ आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, 50 क्वेश्चन इंटू टू, ठीक है, मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन, ये जो पेपर होता है 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम लोग टोटल 300 क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। तो अगर पार्ट वन देख रहे हैं तो पार्ट टू पार्ट थ्री भी आप लोग जरूर पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, समझ के आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करते जाने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यह है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 2009 में, ठीक है, कब होगा 2009 में, ध्यान रखना है आपको। आइए, आज जो है मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अगले वीडियो में 100, फिर अगला तीसरा वीडियो जो होगा 100 का हो जाएगा, 300 कवर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, नो प्रिस्क्राइब्ड टाइम बाउंड प्रोग्राम टू बी फॉलोड, गाइडेंस इज इसेंशियल, इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, सोशल इंट्रैक्शन एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन देखिए क्या दिया है कि चॉइस ऑफ फील्ड इज अवेलेबल। तो यहाँ इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। कहा गया कि इनफॉर्मल एडुकेशन जो होता है, अनौपचारिक शिक्षा होती है, जैसे जिसमें कि मान लीजिए आप बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पहले से काम सीख लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं रहता है, जैसे कोई भी आईटीआई किया है तो उनके पास कोई डिग्री नहीं रहता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स का जो है उनको इनफॉर्मल एडुकेशन मिला हुआ होता है, ठीक है, इनफॉर्मल शिक्षा उनको मिली हुई होती है, ठीक है। तो उनके लिए क्या ऑप्शन सही होगा, देखिए उनका क्या होता है कि उनके पास चॉइस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है, चॉइस ऑफ फील्ड्स अवेलेबल, जाहिर सी बात है कि उनके पास, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं या फिर आपने आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ही आप जो है अपना जो है प्रतिभा को निकालिएगा, जॉब वगैरह भी करने का अगर सोचिएगा तो उसी फील्ड में करने का सोचिएगा, तो आपके पास जो है लिमिट है, फील्ड क्या है आपके पास लिमिटेशन है, ठीक है, चॉइस ऑफ फील्ड क्या है लिमिटेड है। लेकिन जिनके पास इनफॉर्मल एडुकेशन होता है, अनौपचारिक शिक्षा होता है, उनके पास बहुत सारे फील्ड्स अवेलेबल है, क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं मान लीजिए, तो वो इस फील्ड में सोचेंगे जाना चाहते हैं तो उस वो फील्ड भी काम कर सकते हैं, इस फील्ड का भी काम कर सकते हैं, भले उसमें ग्रोथ ना हो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनसाइड द ब्रेन, रिकॉलिंग सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ सर्टेन स्टिमुलस इज कॉल्ड, कहा जा रहा है, क्या कहा जाएगा, देखिए यहाँ कहा गया है क्वेश्चन, देखिए सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं, एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क के कुछ जानकारी पुनः स्मरण करना क्या कहलाता है। तो पुनः जो स्मरण करते हैं चीजों को क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पुनः स्मरण, ठीक है, ये हिंदी में देखिए बिल्कुल ऑप्शन आसान हो जाएगा, पुनः स्मरण मतलब कि रिकलेक्टिंग, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी चले जाएगा, रिकलेक्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर चार देखिए, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, कहा गया है कि जो बीएफ स्किनर थ्योरी है, ठीक है, बीएफ स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्रू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर बिहेवियर इज कॉल्ड, हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के बीएफ स्किनर के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा, ये सिंपल थ्योरिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जहाँ की जो बीएफ स्किनर थ्योरी है उसका आपको अगर पता होगा तो आप आंसर आराम से कर लीजिएगा। तो देखिए कंसिक्वेंस ऑफ बिहेवियर जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर कार्यवाहक अनुकूलन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्स इन पॉजिटिव लर्निंग, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक अधिगम के अनुक्रिया का अवयव नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, पर्यावरण है, भौतिकी है, मनोवैज्ञानिक है या फिर मानसिक है, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव लर्निंग जब किया जाता है तो उसमें देखिए
जब भी आप कुछ सीखते हैं, ठीक है, जब भी आप कुछ अधिगम करते हैं, उस समय कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? देखिए, भौतिक रूप से फिजिकल अगर आप फिट नहीं हैं तो जाहिर सी बात है आपको लर्निंग प्रोसेस में आपको कहीं ना कहीं बाधा होगा। मनोवैज्ञानिक मतलब कि साइकोलॉजिकल, अगर कुछ आपका माइंड में कुछ टेंशन है, ठीक है, कुछ आपको समस्या है, या फिर मेंटल, ठीक है, मानसिक समस्या है, इन सभी क्या, ये सभी तीनों फैक्टर क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं क्या चीज़ में, सीखने में, अधिगम में। आपको ये तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, आपको बाधाएं पहुंचाएंगे। लेकिन जो पर्यावरण होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट आपको कहीं किसी भी तरह से आपको जो है सीखने की क्रिया में आपको बाधा नहीं पहुंचाएगा। मान लीजिए आप बंद कमरे में अभी कॉलेज में अपना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बाहर वर्षा हो रही है या बहुत ज़्यादा धूप किया हुआ है, उससे आपके सीखने लर्निंग प्रोसेस में क्या इफेक्ट करेगा? मेरे समझ से कुछ नहीं करेगा, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर चल जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिए, थोड़ा इसको समझ के अगर पढ़ा जाए तो बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को समझा जा सकता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम की मुख्य विशेषता नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी आपको अगर पता होगा तो आपको एक ऑप्शन छांटना है जो कि ये नहीं कहता है, मतलब मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी नहीं कहता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसको मैं दिखाता हूँ। दिया गया है पहला ऑप्शन, देखिए, ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय नीड्स। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर जो है क्या होता है, मोटिवेट होता है किसके, बाय नीड्स के थ्रू। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल मतलब आपका जो ये है मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी जो है उसमें ये आता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, नीड कैन बी रीअरेंज्ड इनटू हायरार्की लोएस्ट टू हाईएस्ट। जाहिर सी बात है कि नीड्स को आप क्रम में जो है उसको ऊपर नीचे करते हैं। ये भी कहता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ वन लेवल नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली लीड्स टू द नेक्स्ट एंड हायर ग्रुप ऑफ नीड्स। तो यहाँ पे कहा गया, देखिए, एक स्तर की संतुष्टि प्राकृतिक रूप से और स्वचालित आवश्यकताओं के अगले और उच्च समूह की ओर जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन का। देखिए, दिया गया, सेटिस्फाइड नीड्स मोटिवेट बिहेवियर एंड अनसेटिस्फाइड नीड्स फेल टू डोमिनेट और इन्फ्लुएंस एक्शंस। कहा जा रहा है कि संतुष्ट आवश्यकताएं अभिप्रेरणात्मक व्यवहार और असंतुष्ट आवश्यकताएं हावी होने या कार्यों को प्रभावित करने में विफल रहती हैं। तो ये चीजें जो है, ये बात जो है, ये जो आपका हायरार्की मतलब नीड थ्योरी जो है मैस्लो का, ये चीज नहीं कहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको ध्यान का रखना है, सेटिस्फाइड नीड वाला और अनसेटिस्फाइड नीड वाला जो ऑप्शन है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको ऑप्शंस भी इसी तरह के देखने मिलेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सेटिस्फाइड नीड मोटिवेट बिहेवियर और अनसेटिस्फाइड नीड फेल टू डोमिनेट और इन्फ्लुएंस एक्शन। समझ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर नीड थ्योरी जो है, मैस्लो का जो हायरार्की जो है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, नीड्स कितने जो है, कितने में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको ध्यान रखना है, टोटल पांच जो है स्टेप्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, नीड्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव। ठीक है, फाइव लेवल, पांच लेवल में इसको क्या किया गया है, ये किया गया है। ठीक है, डिवाइड किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, आठ नंबर देखिए, व्हाइल एनालाइजिंग द सिलेबस जॉब और एक्सपीरियंसेस बाय विच स्किल कैन बी एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड इन रिलेटेड टू डैश। लिख दिया है, क्वेश्चन हिंदी में है, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव, ठीक है, कार्य या अनुभव जिसके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जाता है डैश से संबंधित होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए हो जाएगा डूइंग, मतलब कार्य। कहा जा रहा है देखिए पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय, सिलेबस का एनालिसिस करते समय, या फिर कार्य या अनुभव जिसके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जा सकता है वो किस चीज से संबंधित है। ठीक है, मतलब आप वर्क और एक्सपीरियंस जो है द्वारा जो है आप कौशल अर्जित कर रहे हैं, मतलब कि आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, अपना अनुभव अपने कार्यों से जो है उससे स्किल आप ले रहे हैं, तो वो चीज़ें किन चीज से संबंधित, जाहिर सी बात है कार्य से संबंधित है। स्किल आपको कैसे आएगा, स्किल आपको कोई अनुभव है, कोई काम कर रहे हैं उसी से तो आएगा, तो हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा कार्य ही हो जाएगा। ठीक है, डूइंग या फिर कार्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन में भी कार्य दिया है, यहाँ आंसर में भी क्या है, कार्य है, ऐसे भी याद आप रख सकते हैं। बेसिकली रेफरेंस ले लीजिए कोई भी चीज़ का और याद आप बेसिकली आराम से रख पाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी रेफरेंस मेथड आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द सिलेबस और कोर्स कंटेंट, पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें याद रखिए कितना रखा जाता है यहाँ पे, 2। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, मेथड्स रेफरेंस मेथड कितने हो जाएंगे सिलेबस कोर्स कंटेंट को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस जो होता है, ठीक है, विश्लेषण करने के लिए कितना, टोटल 2 तरीका होता है, कितना होता है, 2 तरीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर डैश ऑल द ड्राइविंग टेक्निक्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल आगे भी इस तरह का क्वेश्चन आगे बताएंगे। कहा जा रहा है संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक, ठीक है, एक मोटर कार चालक मान लीजिए कि कोई कार ड्राइवर है, को सभी ड्राइविंग टेक्निक्स को क्या करना चाहिए, मस्ट नो, शुड नो, कुड नो, उड नो। बहुत अच्छा सवाल है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो ड्राइविंग टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाने का जो तकनीक होती है, उसे ड्राइवर को क्या करना चाहिए, जानना चाहिए या फिर जान सकता है या फिर जान सकता था या फिर अवश्य जानना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, अवश्य जानना चाहिए, ड्राइविंग करने के हर एक गुण को जानना चाहिए, नहीं तो पता क्या चलेगा कि एक्सीडेंट हो गया, है ना। बट यहीं पे कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जहां की शुड नो भी होगा, फिर यहां पे कुड नो भी आएगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा, आगे ये क्वेश्चन आएगा, फिर मैं कंपेयर करूंगा 10 नंबर से दिखाऊंगा आपको। कुछ में ग्यारह पाइए, द टीचर एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नोन एज डैश। कहा जा रहा है कि डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को डैश ग्रुप में माना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। देखिए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो होता है आपको क्लासरूम वाला शिक्षा नहीं होता है, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग इन द सेंस कि मान लीजिए जैसे कि इग्नू वाला जो कोर्स है, इग्नू का जो कोर्स है आप बेहतर ढंग से समझ पाइएगा, उसमें क्या है कि स्टडी मटेरियल्स आपको घर में भेज दिया गया है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और आपको जो है सारा मटेरियल्स दे दिया गया है, आप पढ़ाई कर रहे हैं खुद से, बीच में ऑनलाइन क्लासेस जो है अरेंज हो सकते हैं, होते भी हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इस तरह का जो शिक्षा होता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जहाँ की फिजिकल क्लासेस नहीं होते हैं, क्लास रूम पढ़ाई नहीं होता है फिजिकल रूप से टीचर और स्टूडेंट्स साथ बैठ करके, उस स्थिति में जो टीचर एंड तरफ से, देखिए यहाँ पे जो है एक साइड तो टीचर होंगे और एक साइड स्टूडेंट होंगे, अब बीच में क्या है, बहुत बड़ा गैप है क्योंकि वो सामने सामने नहीं है। मान लीजिए टीचर अगर दिल्ली में बैठा हुआ है तो स्टूडेंट हो सकता है कि झारखंड में, बिहार में, यूपी में, तमिलनाडु में, कहीं भी होगा, दूर पे दूरी है। तो जो टीचर है इस जगह पे जो है टीचर, वो क्या कहलाएंगे, तो जाहिर सी बात है टीचर को क्या कहा जाएगा उस स्थान पर, इज नोन एज स्टूडियो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्टूडियो, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडियो ही है जहां से कि चीजों को प्रसारित किया जा रहा है, जहां की स्टूडेंट यहां बैठा हुआ जो है इन चीजों को यहां पे भी जो भी डिलीवर किया जा रहा है मटेरियल्स या फिर कोर्स कंटेंट, वो चीजें स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है, क्या कहलाएगा, स्टूडियो कहलाएगा। अभी आगे के क्वेश्चन ये भी देखेंगे कि स्टूडेंट एंड पे क्या कहलाएगा, स्टूडेंट एंड पे वो क्या कहलाएगा, उसको क्वेश्चन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इफेक्ट ऑफ डैश इज पुअर ड्यू टू द लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण डैश का प्रभाव खराब होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए इसका ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, एसिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, और ऑप्शन है फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। देखिए कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी शिक्षा होती है उसमें एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, एक टीचर होता है, स्टूडेंट्स कई हो सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर इंटरेक्शन इन दोनों के बीच, वार्तालाप, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन बहुत ही खराब है, बहुत ही पुअर है, मतलब कि टीचर ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं स्टूडेंट्स को या फिर स्टूडेंट ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ये पुअर जो इंटरेक्शन है ये क्या चीज़ के कारण हो सकता है, क्या इफेक्ट हो सकता है। तो जाहिर सी बात है देखिए एसिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग के कारण ऐसा हो सकता है, अतुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के कारण ऐसा हो सकता है। जाहिर सी बात है जब चीजें सिंक्रोनाइज्ड हुई ही नहीं रहेंगी, ठीक है, तो गैप्स तो होंगे ही, चाहे टीचर को समझने में स्टूडेंट को या फिर स्टूडेंट को टीचर द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है उसको ग्रहण करने में, तो अतुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग होता तो ये गैप नहीं होता,
जाहिर सी बात है जो टीचर बोलता है वो अच्छे से स्टूडेंट समझते हैं, स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन करते हैं टीचर भी अच्छे से समझ पाता, बट यहाँ क्या आंसर चले जाएगा, ए सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। समझ में आया, बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन, ठीक है। तो ये देखिए जो आपका इग्नू होता है, इग्नू वो कब एस्टेब्लिश हुआ था इसका पूछा था। इसमें सिंपल है, याद रखना है 1958 आपको ध्यान में रखना है। एक पहला क्वेश्चन में हम लोग थे, याद होना चाहिए आपको, पहला क्वेश्चन कराया था मैं जहाँ की एनएसडीसी की स्थापना 2009, ठीक है याद रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे इग्नू का क्या हो जाएगा 1985। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल एड, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो है ना, जो पिछले साल या पिछले साल उसके पिछले साल के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका भी कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग का जो है रेस्पॉन्स सही से रहा तो इन सब का क्वेश्चंस भी करा दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस हैं डीजीटी के द्वारा, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, हालांकि ये सभी क्वेश्चंस आपको यहां मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए यहां पे जो है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। कहा जा रहा है कौन सा दृश्य सहायक सामग्री है, दृश्य सहायक मतलब कि विजुअल, जो कि आप देख करके सीखते हैं। तो जाहिर सी बात है देख करके ऐसा यंत्र बताइए जिसको देख के सीख पाते हैं। रेडियो में तो स्रोत मतलब सुन करके आप चीज़ों को समझते हैं सीखते हैं, टेप रिकॉर्डर भी सुन करके होता है, और फिर स्लाइड प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर से आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टर जो होता है इसको आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो यहाँ पे देखने का भी बात आ गया है, इस वजह से स्लाइड प्रोजेक्टर आपका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस तो कट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड के बारे में बोला जा रहा है, कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक बोर्ड जो होता है ये भी होता है, फ्लैनल बोर्ड जो होता है ये भी होता है डिस्प्ले बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड जो होता है ये भी डिस्प्ले बोर्ड होता है। आंसर क्या चल जाएगा इसका, ऑप्शन चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है, संचार प्रणाली, ठीक है। तो देखिए संचार कम्युनिकेशन कब होगा, कम्युनिकेशन बताइए कब होगा। कम्युनिकेशन तो भैया तभी होगा जब ही कोई सुनने वाला होगा, कोई जो है बोलने वाला होगा, और कोई मैसेज को पहुंचाने वाला होगा, जाहिर सी बात है। तो स्रोत हो जाएगा सुनने वाला, सोर्स एक तरह से कह सकते जहाँ से उत्पत्ति हो रही है मैसेज की, वो हो गया सोर्स। मैसेज हो जाएगा जो कि आप मैं जो भी बोल रहा हूँ तो क्या है मैसेज ही तो है, रिसीवर जो आप लोग सुन रहे मेरी बातों को रिसीवर हो गया। तो ये क्या एक कम्युनिकेशन हो रहा है हम लोग के बीच, जाहिर सी बात है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ डीज हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एड गिव द इफेक्ट ऑफ द रियल सिचुएशन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति सा प्रभाव देती है, ठीक है वास्तविक स्थिति। अब यहाँ पर टेक्निक्स के बारे में बोल रहा है, टेक्निक एड्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वास्तविकता की बात करूँ तो यहाँ चार्ट ऑप्शन है, सिमुलेटर होता है, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक बोर्ड है, और यहाँ चाक बोर्ड है। तो देखिए ये सभी जो है टीचिंग एड्स हैं, मतलब कि जहाँ कि आप सहायता करता है ये चीज़, चाक बोर्ड हो गया, चाहे चार्ट हो गया, मैग्नेटिक बोर्ड हो गया, चाहे सिमुलेटर हो गया, ये सभी जो है आपको हेल्प करता है पढ़ाने में, शिक्षा मतलब कि विद्यार्थियों तक पहुँचाने में। बट यहाँ पे देख लीजिए जो रियल सिचुएशन जो होता है जिसको क्रिएट करके इफेक्ट जो देता है, ठीक है वो कहलाता है आपका सिमुलेटर, ठीक है। क्या है सिमुलेटर, ये होता है आपका रियल सिचुएशन जो है का इफेक्ट्स ये प्रोवाइड करता है, ठीक है सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति सा प्रभाव देता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचिंग मटेरियल, अब टीचिंग मटेरियल के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिए, यह लेसन प्लान, इंफॉर्मेशन सीट, जॉब सीट, एक्सपेरिमेंटल सीट। तो यहाँ क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर, लेसन प्लान हो जाएगा, टीचिंग मटेरियल, ओके। कौन सी एक अध्यापन सामग्री है, ठीक है। तो जो लेसन प्लान होता है वो टीचर तैयार करता है ताकि बच्चों को पढ़ाए, पाठ योजना, इंफॉर्मेशन सीट, जॉब सीट, एक्सपेरिमेंटल सीट, ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है।
तो ये लेसन प्लान खुद टीचर अपने लिए एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे देखिए सॉरी लेसन प्लान यहाँ पे हो जाएगा आपका टीचर जो बच्चों के लिए तैयार करता है, ठीक है, ये लेसन प्लान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, ऑपरेशन सीट इज मेड बाय, ऑपरेशन सीट किसके द्वारा बनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन सीट कौन बनाएगा, वर्कर तो बनाएगा नहीं, इंस्ट्रक्टर ही बनाएगा, अनुदेशक बनाता है, स्टूडेंट भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन सीट हो या फिर इंफॉर्मेशन सीट हो या लेसन प्लान, सभी कौन बनाते हैं, इंस्ट्रक्टर ही बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा। अब यही क्वेश्चन है कि स्टूडेंट द्वारा क्या बनाया जाता है, ऑपरेशन सीट भी नहीं बनाता है स्टूडेंट, टीचर ही बनाता है, मतलब कि अनुदेशक ही बनाता है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन सीट, असाइनमेंट सीट, सभी कौन बनाते हैं, तो इंस्ट्रक्टर या फिर अनुदेशक बनाते हैं। आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है, नॉन ऑफ दिस। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, इन WIM, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, WIM, व्हाट डज W स्टैंड फॉर। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, तो W क्या होगा यहाँ पे, हो जाएगा आपका रिटन के लिए डिनोट करता है, रिटन, या राइटर, वर्स, वर्क सब नहीं होगा, रिटन होगा। क्वेश्चन सब आता है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण की विशेषता है बताइए। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए टेस्ट जो भी होता है उसका एक वैलिड पीरियड होना चाहिए, ठीक है, एक ड्यूरेशन होना चाहिए, एक समय होना चाहिए, इसलिए क्या हो गया इसका आंसर, वैलिडिटी भी चले जाएगा, साथ में रिलायबिलिटी होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए बच्चों को कि हाँ यहाँ पे फेयर मीन से ही परीक्षाएं हो रही हैं, ठीक है, कदाचार एग्जाम हो रहा है, यहाँ पे जो है कुछ गलत नहीं होता, विश्वसनीयता भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी से पता चलता है कि कितना ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस बच्चे अटेम्प्ट ले रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी भी इसमें आंसर में आ जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टाइप टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू फॉल्स भी होता है, मैचिंग भी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट, अब प्रायोगिक परीक्षा जो होती है जिसको प्रैक्टिकल टेस्ट कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है। तो देखिए इंटरव्यू तो होगा नहीं, कंपटीशन टेस्ट नहीं होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, या फिर आपसे स्किल टेस्ट भी हो सकता है दे दे, तो ये स्किल टेस्ट भी इसी को कह सकते हैं एक तरह से आप, ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल या फिर परफॉर्मेंस, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए इंटरव्यू इज अ काइंड ऑफ डैश, साक्षात्कार एक प्रकार का क्या है ये बताना है, तो रिटन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट या ऑरल टेस्ट, जाहिर सी बात है क्या है, ऑरल टेस्ट कहलाता है, क्या, इंटरव्यू को हम लोग ऑरल टेस्ट कहते हैं, ठीक है। आगे है, व्हाट अरेंजमेंट शुड बी मेड टू एक्सटिंग्विश द फायर इन द वर्कशॉप, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए, ठीक है, सभी व्यवस्था रखना चाहिए, देख जाएंगे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो है आपका, फायर एक्सटिंग्विशर, सिलेंडर्स रहने चाहिए, उसके बाद फिर बकेट फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा बाल्टी भी रहना चाहिए, फिर जो है सैंड बकेट भी होने चाहिए, जिसमें कि बकेट्स में रेत भरे हुई बाल्टियाँ भी होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ डीज हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27, एक गुड हाउसकीपिंग इंक्लूड्स, एक अच्छी गृह व्यवस्था, ठीक है, एक अच्छी गृह व्यवस्था में डैश शामिल होता है, क्या हो जाएगा, देखिए जो एक अच्छा हाउसकीपिंग जो होता है उसमें क्या क्या सब कुछ होना चाहिए, देखिए क्लीनिंग भी होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, फिर जगह प्रॉपर जगह पे मशीनिंग मशीन्स का जो है प्रॉपर प्लेस पे रखा हुआ है कि नहीं, इधर उधर फेंका हुआ है तो क्या अच्छा जो है हाउसकीपिंग थोड़ी कहलाएगा, स्पेस ऑफ स्टोर, जगह भंडारण के लिए स्थान होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चले जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बेस्ट रूल फॉर गुड डिसिप्लिन इज, कैप देम डैश, कह रहा है कि अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें डैश रखें, क्या रखें, बिजी इन वर्क, उन्हें क्या रखें, उनको कार्य में व्यस्त रखें, ये क्या कहलाता है आपका, गुड डिसिप्लिन कहलाता है, मतलब कि बेस्ट रूल फॉर गुड डिसिप्लिन, ठीक है, अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें काम में व्यस्त रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप इज नॉट अ टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, निम्नलिखित कौन सा जो है अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, पता है आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी टाइप का होता है, फॉर्म टाइप भी होता है, जो कोई इलेक्ट्रिकल से आग लगने पे जो है फॉर्म टाइप हम लोग यूज नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी फॉर्म टाइप नहीं किया जाता है, ठीक है।
उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जा सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको कि जिसका कि केमिकल जो सूत्र है CO होता है, ठीक है, ये इसका कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं बनता है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर। अब कह रहा है कि कौन सा जो ये गुण है एक अच्छी परामर्शदर्शता का गुण नहीं है, ठीक है, जो परामर्श देते हैं, ठीक है, या फिर परामर्शदर्शता जो होता है, जो होते हैं उनका एक अच्छा गुण नहीं है, जो जो काउंसलर होते हैं गुड काउंसलर का एक गुण नहीं है। तो देखिए, ही शुड बी जजमेंटल, ये गुण नहीं होना चाहिए, ये गुण नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए वो जजमेंटल हो जाएंगे, जज करने लगेंगे, तो काउंसलर किस बात का, तो फिर तो वो जज कहलाएंगे ना। जज का काम क्या होता है कि वो जजमेंट करें, ना कि काउंसलर का। काउंसलर का काम क्या होता है, बस कि सुझाव देना, ठीक है, काउंसलिंग करना, बस उनका यही काम होता है। सही गलत के बारे में वो नहीं बता सकते हैं, बस उनका काम क्या होता है, राय देना, मशवरा देना, या फिर काउंसलिंग करना, सजेशंस देना, बस इतना ही। सही गलत जो है कौन कहता है, तो वो जज करता है, या फिर जो विक्टिम है वो कर सकता है। 31, SWOT, SWOT analysis consists of all of the following elements except dash. कह रहा है कि एक SWOT जो विश्लेषण में dash को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल होते हैं, ठीक है। तो देखिए, SWOT का जो है ना, सीधे टर्म में जो है आपसे फुल फॉर्म पूछा गया, एक तरह समझ लीजिए। तो देखिए, इसके सबसे पहले आप समझ लीजिए, SWOT जो है, SWOT इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, S से आपका होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, W से होता है वीकनेस, O से होता है अपॉर्चुनिटी, और T से होता है थ्रेट, ठीक है, थ्रेट। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें नहीं है, तो S फॉर स्ट्रेंथ देखिए यहाँ पे है, मतलब ये हो जाएगा, W फॉर वीकनेस सही है, T फॉर थ्रेट सही है, बट O से मैंने क्या बताया, अपॉर्चुनिटी बताया, यहाँ क्या दिया है, ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके जगह पे क्या होता, अपॉर्चुनिटी होता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ काउंसलिंग। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परामर्श कई अवस्थाएं नहीं है। जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन को आप आराम से बनाइएगा। देखिए, कौन सा नहीं है, तो गिविंग सिंपैथी। अब काउंसलर का ये भी काम नहीं है कि क्या करे, सहानुभूति प्रदान करे, जो जो एक्चुअल जो राय देना है, जो काउंसलिंग करना है, वो उसका काम है। सहानुभूति देगा तो मान लीजिए जो फैक्ट्स है उससे कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाएगा, इस वजह से सिंपैथी देना काउंसलर का काम नहीं होता है, ठीक है। परामर्श जो देते हैं उनका काम सहानुभूति देना या फिर जजमेंट देना, ये चीज़ें नहीं होती है। आंसर हो जाएगा ए। 33, एन एंटरप्रेन्योर प्राइमरी मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज डैश, ठीक है, क्या कहलाएगा, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा डैश है, क्या हो जाएगा, टू बी इंडिपेंडेंट। देखिए, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, उनको क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। कोई बिजनेस चला रहे हैं उसमें जो है वो उनका मोटिवेशन, प्राइमरी मोटिवेशन यही होना चाहिए जब बिजनेस स्टार्ट करें कि स्वतंत्र रूप से वो अपना बिजनेस को शुरू करें, ठीक है। आंसर हो जाएगा टू बी इंडिपेंडेंट, पैसा कमाना ये उनका मूल उद्देश्य, प्राइमरी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, या फिर फेमस हो जाएं ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या फिर पावरफुल हो जाए ये नहीं होना चाहिए। उनको सबसे पहले ये होना चाहिए अपने पैरों पे मैं कुछ एक बिजनेस खड़ा कर लूँ, मतलब कि इंडिपेंडेंट होकर के। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल स्ट्रेसर। करें, इनमें से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है। देखिए, सामाजिक तनाव क्या क्या हो सकता है समझ लीजिए, जॉब का जॉब इंटरव्यू, नौकरी साक्षात्कार जो है एक सोशल सामाजिक तनाव का एक रूप हो सकता है। आप इंटरव्यू देने गए हैं, सामने जो है इंटरव्यूअर है, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन अटपटांग से क्वेश्चंस कर सकता है, हार्ड क्वेश्चन कर सकता है, आपके माइंड में एक तनाव जो है बना सकता है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है ये एक सोशल तनाव के रूप में आता है, फाइनेंशियल जो कि भौतिक चीज़ें हैं, पैसा का कमी के कारण बहुत सारा माइंड में तनाव रहता है। लॉस ऑफ लव्ड वन, प्रियजन की मृत्यु, कोई बहुत आपके नज़दीकी थे उनका मृत्यु हो गया, तो उसके कारण आपके माइंड में एक तनाव रहेगा। ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब सोशल कैटेगरी में आता है। लेकिन मेनोपॉज जो होता है, राजोनिवृत्ति, ठीक है, ये जो है सोशल स्ट्रेस के अंदर नहीं आ जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है, आप लोग डिक्शनरी में चेकआउट कर लीजिएगा, ऐसे मैं आपको सिंपल में बता दूँ,
ये जो है गर्ल्स लोग से रिलेटेड होता है, जहाँ की जो ये चीज़ हो जाने के बाद, मतलब मेनोपॉज होने के बाद, फिर जो महिलाएं होती हैं वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं, ठीक है, उनका जो एमसी साइकिल होता है वो रुक जाता है, वही कहलाता है मेनोपॉज, ठीक है। तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली जो है शरीर का क्रिया है, जिसमें कि आपको कोई तनाव ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा, ये चीज़ अगर रुकती हैं तो, ठीक है। तो ये इसका आंसर बेस्ट आंसर होगा। चलिए 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टूल फॉर शेड्यूलिंग क्लासेस वर्क प्रायोरिटीज एंड ड्यू डेट्स। कहा जा रहा है कि कक्षाओं, कार्य प्राथमिकताओं और देय तिथियों को शेड्यूल करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम टूल है। मतलब कि आपको क्लासेस जो है शेड्यूल करना है, वर्क्स को अपना प्रायोरिटीज़ में चेक करना है कि कौन सा पहले काम करें, कौन सा लेट से काम करें, ठीक है, और टाइम से पहले, डेट से पहले। तो सबसे बेस्ट क्या है, कैलेंडर। कैलेंडर का आप उपयोग कीजिए, कैलेंडर में मार्क कीजिए मेरे मुझे ये डेट में ये करना है, वो करना है, शेड्यूल क्लासेस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 36, ए डैश इज द वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे, किसको कहा जाता है, ठीक है। तो एक डैश वह है जो मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है और मार्ग दिखाता है। तो कौन हो जाएंगे, जाहिर सी बात है लीडर्स हो जाएंगे। लीडर्स कौन होते हैं, जो कि नेतृत्वकर्ता, जो कि नेतृत्व करते हैं, जो नेता लोग होते हैं, तरह से कह सकते हैं, नेता को ही कहा जाता है। तो वो मार्ग को जानते हैं, जैसे लीड कर रहे हैं, आगे हैं आपसे, तो मार्ग को जानते हैं तभी तो लीड कर रहे हैं, मार्ग पर चलता भी है और मार्ग को दिखाता भी है, ठीक है। आंसर हो जाएगा लीडर्स। अब देखिए जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे से आपको समझा समझा के बताया, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आपको अगर लग रहा है तो आप थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप जो है 2x पे कर सकते हैं, 1.5x पे आप फास्ट करके देख सकते हैं, वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा। हाउ मेनी निबल्स आर देयर इन बिट, एक बिट में, वन बिट में कितना निबल होता है। आंसर हो जाएगा कितना, 4 निबल होता है। आइए अगला क्वेश्चन है 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस। ईमेल सर्विस जो है कौन सा सेवा नहीं देता। जीमेल तो जान रहे हैं आप लोग, सभी लोग जीमेल करते हैं, ये ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। रेडिफ मेल भी क्या करता है, ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो होता है ये भी ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन याहू मैसेंजर जो होता है इसमें आप मैसेज टेक्स्ट वगैरह भेजते हैं लेते हैं, तो ये जो है ईमेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, याहू का ईमेल सर्विस भी है, लेकिन याहू यहाँ मैसेंजर लगा दिया है इसलिए ये जो है ईमेल सर्विस के कैटेगरी में नहीं आया। लेकिन यहाँ याहू मेल अगर रहता, याहू मेल रहता तो फिर ये ऑप्शन भी पास हो जाता, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की बात करें तो ये जो है आपको देखे होंगे, तो आप ईमेल बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सर्विस, तो याहू मैसेंजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन वाज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्रिएटेड, ठीक है। ब्लूम्स का वर्गीकरण विज्ञान कब सृजित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। याद रखिएगा 1956 विल बी द राइट आंसर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फोर स्टेप मेथड ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण की 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम है। देखिए अगर आप लोग NSTI में या ITOTs में पढ़ाई किए होंगे, CITs किए होंगे, तो आप लोग माइक्रो टीचिंग करते होंगे। माइक्रो टीचिंग में आपको ये 4 चीज़ें बोली जाती हैं कि जरूर कीजिए। आप जब भी 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का जो भी आप क्लास में लेक्चर लेते हैं, क्लास में जब आप जो है प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले बोला जाता है प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन, देन सॉरी गाइस, यहाँ पे जो है सबसे पहले प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है। प्रिपरेशन मतलब पूर्व की तैयारी, ठीक है, तैयारी, प्रिपरेशन मतलब तैयारी पहले करना है, उसके बाद प्रेजेंटेशन। जब तैयारी कीजिएगा तभी तो अपने को प्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन या फिर प्रस्तुतिकरण। थर्ड क्या हो जाएगा, अप्लीकेशन, ठीक है, जिसको कि हम लोग हिंदी में अनुप्रयोग कहते हैं। और उसके बाद फिर टेस्टिंग करते हैं, मतलब परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये 4 टोटल बेसिक स्टेप्स होता है, प्रिपरेशन, देन प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन, फिर टेस्टिंग। आइए अगला क्वेश्चन 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें शिक्षक और छात्र दोनों सम्मिलित होते हैं, दोनों को इसमें क्या होता है, सम्मिलित होता है। तो क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन, मतलब पूर्व तैयारी में, जाहिर सी बात है।
पूर्व तैयारी जो होगा उसी में, उसमें दोनों दोनों लोग तैयारी मतलब कि जुड़ते हैं। आप क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के साथ, उसमें आप कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, बच्चे से जवाब भी लेते हैं कुछ टॉपिक को समझाने से पहले। आप जब बोलते हैं कुछ तो उधर से भी कुछ रिप्लाई आप मांगते हैं, तो ये क्या हुआ, दोनों को इसमें इंक्लूड हुए कि नहीं, दोनों को इसमें दोनों का भागीदारी यहाँ पे होता है, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर प्रिपरेशन। उसके बाद प्रेजेंटेशन तो टीचर को देना पड़ता है ना, उसके बाद उकसवाना मतलब कि प्रोवोकेशन, आप उकसाते हैं बच्चों को कि उधर से कुछ जवाब आए, तो ये किसका काम है, टीचर का काम है। दोष सिद्धि, ठीक है, तो दोष सिद्धि का काम कौन करेगा, टीचर ही करता है, जो बच्चे गलत जवाब दिए उसको आप स्पष्टीकरण करते हैं, सही बताते हैं। तो यहाँ पे वन वे हो रहा है, टीचर के द्वारा तीनों काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों काम हो रहा है, मतलब कि दोनों के द्वारा काम हो रहा है, ये वाला टीचर और स्टूडेंट दोनों के द्वारा। 42, द इंस्ट्रक्टर टेल्स व्हाट टू डू एंड सो हाउ टू डू along with the reason why to do. In short, the instructor imparts the dash and dash. कहा जा रहा है अनुदेशक बताता है कि क्या करना है और प्रदर्शित करता है कैसे करना है, इस कारण के साथ कि क्यों करना है। संक्षिप्त में अनुदेशक डैश और डैश प्रदान करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चले जाएगा, ध्यान रखिएगा 6WS यहाँ हो जाएगा आपका 6WS, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 01H, ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, 6WS और 01H ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 43, नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज लॉन्च इन, कब ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, NPSDE, ये नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज लॉन्च इन कब हुआ था, तो 2015 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2015 में। ये वाला क्वेश्चन क्या था, देखिए एक नंबर क्वेश्चन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC था यहाँ पे, तो 2009 हो गया इसका आंसर, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब NPSDE है, ठीक है, तो NPSDE ऐसी अगर रहेगा तो 2015 लगाना है, ठीक है, और NSDC होगा तो यहाँ पे 2009 लगाना है, ठीक है, 2009 लगाइएगा। तो छोटा देखिए यहाँ पे कितने अक्षरों का है, 1, 2, 3, 4 अक्षरों का है, तो पहले आया था। यहाँ पे कितने अक्षरों का है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अक्षर मतलब ज़्यादा हो गया, तो 2015 5 अक्षर, तो यहाँ लास्ट में 5 है, 2015 ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग स्किल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि कौशल अर्जन करने का, ठीक है, स्किल को जानने का, स्किल को एक्वायर्ड करने का विधि नहीं है। देखिए ऑब्जर्वेशन करके आप चीज़ों को स्किल जान सकते हैं, प्रैक्टिकल होता है क्लास में, आप देख करके अगर मान लीजिए टीचर कर रहे हैं तो आप समझ जाते हैं, लगता है कि मैं इस चीज़ को सीख चुका हूँ अब मैं भी कर सकता हूँ, है ना। उसके बाद अनुकरण करके, ठीक है, अनुकरण करके भी आप चीज़ों को स्किल आप में आ सकता है, पुनरावृत्ति उन चीज़ को रिपीट कर करके आप स्किल आपके अंदर आ सकता है। बट जो लीडरशिप होता है, नेतृत्व जो है इस कैटेगरी में नहीं आएगा। नेतृत्व जो है किसी का आप कॉपी कर पाइएगा, मोदी जो हैं आपके प्रधानमंत्री, उनको आप कितनों भी कॉपी कीजिए लेकिन वो स्किल उतना लाना, उनके बराबरी कर लेना बहुत ही मुश्किल सी बात है, क्योंकि जो लीडरशिप होता है वो बाय, एक तरह से यही देखा जाए तो बाय बॉर्न होता है, एक तरह से बाय बॉर्न, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, या फिर जो है परिवेश भी इसमें जो है बहुत कुछ मैटर करता है, ठीक है। बट बेसिकली यहाँ पे बाय बॉर्न भी होता है लीडरशिप, ठीक है। तो ये आपको, ये स्किल आप एक्वायर्ड नहीं कर सकते हैं लीडरशिप। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर, अगला क्वेश्चन 45 देखिए दिया गया है कि द एसेंशियल प्री रिक्वेस्टिज ऑफ गुड इंस्ट्रक्टर आर, एक अच्छे अनुदेशक की आवश्यक पूर्वापेक्षाएं हैं, एक अच्छे अनुदेशक का जो है यहाँ आपसे पूछा गया है पूर्वापेक्षाएं क्या हो सकती हैं। देखिए ऑप्शन है यहाँ पे, ही शुड हैव द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब, जाहिर सी बात है एक अच्छे अनुदेशक कब कहलाएंगे, जब उनके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, ये भी एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया देखिए, ही शुड बी कॉम्पिटेंट इन हिज ट्रेड, मतलब वो अपने व्यवसाय में निपुण होने चाहिए, जाहिर सी बात दूसरा करेक्टर ये भी है। तीसरा है ही शुड हैव गुड पर्सनैलिटी, उनका अच्छा व्यक्तित्व भी होना चाहिए। उसके बाद चौथा,
ही शुड हैव हाई डिजायर टू टीच, मतलब कि उनके अंदर अत्यधिक अत्यधिक आकांक्षा होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। जाहिर सी बात है, इच्छा ही नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे क्या, है ना। इसमें बोला जाए कौन सा ऑप्शन सही, तो जाहिर सी बात है मुझे तो सारा ऑप्शन सही लग रहा था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1, 2, 3, 4। देखिए ऑप्शन नंबर डी लग गया, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, दिया गया है कॉमन डिफेक्ट इन इंस्ट्रक्टर्स आर। अब यहाँ दोष पूछा जा रहा है, वहाँ पे गुड पूछा गया था, यहाँ पे अब बैड पूछा जा रहा है। सामान्य दोष क्या क्या है, नंबर वन देखिए कह रहा है लैक ऑफ मेंटल अलर्टनेस, ठीक है, मानसिक सतर्कता की कमी। जाहिर बात है डिफेक्ट जो एक इंस्ट्रक्टर में जो डिफेक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है कि मेंटली वो अलर्ट नहीं है, ठीक है। ये तो सही बात है, डिफेक्ट के अंदर ही आएगा। दूसरा ऑप्शन है देखिए यहाँ पे लैक ऑफ प्रॉपर ह्यूमन रिलेशन, उचित मानवीय संबंधों की कमी। या इस बात ये भी डिफेक्ट के अंदर ही आएगा। लैक ऑफ एम्बिशन मतलब कि महत्वाकांक्षा की कमी, ये भी हो गया। चौथा है लैक ऑफ एंथुसियाज्म इन इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि परीक्षण में उत्साह की कमी। जाहिर सी बात है ये सभी क्या हो जाएंगे, डिफेक्ट्स होते हैं इंस्ट्रक्टर के, दोष कहलाएंगे अनुदेशक के। ऑप्शन कौन जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, द लर्निंग साइकोलॉजी स्किल इज रिलेटेड टू हैंड इन द सेम वे एटीट्यूड इज रिलेटेड टू। कहा जा रहा है कि देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित होता है, तो उसी तरह से अभिवृत्ति जो होती है किससे संबंधित होती है। चार ऑप्शन है देखिए, हृदय, सिर, आंखें, ये सभी। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जो एटीट्यूड होता है वो आपके हृदय से आता है, ठीक है, हार्ट से आता है। तो आंसर क्या लगेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा, ठीक है। एटीट्यूड जो है ना सर से होगा ना आंखों से। आंखों से क्या एटीट्यूड दिखाइएगा आप, जो वो चीज़ें जो आती हैं फीलिंग्स जो होती है कहीं ना कहीं हृदय से जुड़ी होती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 अगला, स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन इन माइंड एंड रिकॉलिंग व्हेन एवर इट इज नीडेड अगेंस्ट ए स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, ठीक है। कहा जा रहा है कि सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना और इसकी आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन प्रक्रिया के विरुद्ध पुनर्स्मरण करना क्या कहलाता है। देखिए बोला गया है कि कोई भी सूचना है उसको आप माइंड में कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। कोई भी इंसिडेंट मान लीजिए हुआ, वो आप देखे तो क्या हुआ, उन चीज़ों को दृश्य आपके दिमाग में गया, संग्रहित हुआ, स्टोर हुआ। अब उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन प्रक्रिया के विरुद्ध पुनर्स्मरण करना, ठीक है, मतलब कि जब आवश्यकता पड़ती है तो फिर से उनको फिर से हम रिकॉल करते हैं, फिर से पुनर्स्मरण करते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रिटेंशन कहलाएगा, अवधारणा होगा इसमें। ऑप्शन में गलती नहीं कीजिएगा, पुनर्स्मरण नहीं मार दीजिएगा, रिकलेक्टिंग नहीं होगा, रिकलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है था। देखिए यहाँ पे क्या था, आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन एक 3 नंबर में कराए थे आप लोग को, ठीक है। तो वहां पे आंसर था पुनर्स्मरण, मतलब कि रिकलेक्शन था। अब इसका आंसर जो है अवधारणा है, रिटेंशन है, डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस देखिए यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट स्टिमुलस, क्या है, अगेंस्ट विरुद्ध, स्टिमुलस के विरुद्ध, तो इसका आंसर जाएगा रिटेंशन, ठीक है, अवधारणा हो जाएगा। लेकिन अगर अगेंस्ट वर्ड नहीं दिखे स्टिमुलस के सामने, ठीक है, स्टिमुलस के सामने अगर अगेंस्ट वर्ड नहीं दिखता है तो उस केस में पुनःस्मरण या रिकलेक्शन होगा। आइए वहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए ब्रेन ड्यू टू एक्शन ऑफ सर्टन स्टिमुलस, यहाँ अगेंस्ट वाला टर्म स्टिमुलस के आगे नहीं लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकलेक्शन इसका हो जाएगा, और अगेंस्ट लगता है तो क्या होता है, रिटेंशन हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है 49 नंबर, इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी रिसेंसी, ठीक है, रिसेंसी ऑफ द इवेंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ द इवेंट, इंटरेस्ट ऑफ द इवेंट एंड एसोसिएशन ऑफ द इवेंट इज रिलेटेड टू डैश फैक्टर ऑफ मेमोराइजिंग। कहा जा रहा है कि विकास मनोविज्ञान में, ठीक है, विकास मनोविज्ञान में घटना की अभिनवता, घटना की आवृत्ति, घटना में रोचकता और घटना की सहचारिता याददाश्त के डैश कारक से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर भी आपका जो है अवधारणा में चले जाएगा, जो कि रिटेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे घटना में रोचकता, घटना की सहचारिता या फिर याददाश्त के अवधारणा कारक से संबंधित होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 50 है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच करना है। देखिए दिया गया है टाइम आफ्टर द इवेंट, घटना के बाद समय, यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज फॉरगेटफुलनेस। तो जैसे कि मान लीजिए कोई घटना, कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी घटना हुआ, उसके बाद जो है परसेंटेज फॉरगेटफुलनेस जो है, मतलब कि तो विस्मृति प्रतिशत बताना है,
ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई घटना हुआ है, 20 मिनट हो चुका है, तो कितना परसेंट याद रहेगा वो घटना, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा आपका 42%। ओके, तो 20 मिनट के अंदर वो जो घटना है वो आपके दिमाग में दृश्य जो है 42% तक रहेगा। उसके बाद एक घंटे की अगर बात करेंगे तो एक घंटे में 46% आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी। तो एक घंटे में कितना भूल जाइएगा, 46% भूल जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 64% कितने घंटे में भूल जाइएगा, तो 9 घंटे में जो है आप 64% तक भूल जाइएगा, ओके, कोई घटना। उसके बाद चौथा देखिए 24 घंटे मतलब पूरे एक दिन में आप कितना भूल जाइएगा, तो 66% भूल जाइएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न याद रखिए, सबसे पहले 42% है, उसके बाद जो है 46% है, उसके बाद है 64% और उसके बाद 66%। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन 51। अब यहाँ पे भी मैच करना है, मैच द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ठीक है, अधिगम के सिद्धांत यहाँ पे आपको मैच करना है। यहाँ पहला थ्योरी है देखिए कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। तो कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी किसने दिया था, तो ये हो जाएगा पेवलोव ने दिया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे ट्रायल एंड एरर, तो ट्रायल एंड एरर किस जो है इस थ्योरी को किसने दिया था, तो ये हो जाएंगे थ्रॉन्डिके, ओके। तो क्यू वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला थ्रॉन्डिके हो जाएगा, ओके। फिर थर्ड देखिए यहाँ पे इनसाइड थ्योरी, तो इनसाइड थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था, तो कॉलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चले जाएगा ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव एंड इफेक्टिव लर्निंग, सकारात्मक और प्रभावी उद्गम हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है, तो कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है ये बताना है। इसमें क्या हो जाएगा, अवधारणा, ओके, अवधारणा या फिर रिटेंशन। तो अगर आप सकारात्मक या प्रभावी ढंग से अधिगम कर रहे हैं या फिर जो है लर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए रिस्पॉन्स जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, आप उन चीज़ों को अधिगम कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, अनुक्रिया। तो ये तो जरूरी शर्त में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। कन्फर्मेशन पुष्टिकरण, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी वही चीज़ है, कन्फर्म हो रहे हैं आप चीज़ों की, सीख रहे हैं मतलब कन्फर्म हो रहा है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। यहाँ पे स्टिमुलेशन उत्तेजन, ये भी जरूरी है, तभी तो आप में जो है सीखने के प्रति जो है लालसा होगी, तो ये भी पार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो अवधारणा है ये नेसेसरी कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं मेमोरी से पहले की चीज़ों से ये रिलेट होता है, इसलिए यहाँ पे इफेक्टिव लर्निंग, पॉजिटिव एंड इफेक्टिव लर्निंग का ये वाला ऑप्शन जो है नहीं होगा, ऑप्शन चलेगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नीड ऑफ मैकलैंड थ्योरी, निम्नलिखित में कौन सा मैकलैंड के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा, नीड ऑफ स्टीम, तो नीड ऑफ स्टीम जो होता है सम्मान की आवश्यकता, ये वाला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर जो था, इसमें क्या था कि मोटर कार ड्राइवर बेस ऑल द ड्राइविंग टेक्निक्स, तो यहाँ पे जो ड्राइविंग की सभी तकनीकों के बारे में उसे अवश्य जानना चाहिए, लेकिन यदि ब्रेकिंग का बात करें, ब्रेक का, गियर्स का अगर बात करें, तो उसमें शुड नो ओनली क्या हो जाएगा उसका, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे आंसर क्या चल जाएगा, जानना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे कौन सा टिक लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न भी जो मैं कहा था कि एक और इसका पार्ट होगा वो भी बताएंगे, देखिए तो इसको दोनों क्वेश्चन साथ रिलेट कर देते हैं। देखिए द ट्रेनी एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नॉन एज, ठीक है। तो ट्रेनी एंड से पूछ रहा है, उस टाइम में टीचर एंड से पूछा गया था, और अभी जो ट्रेनी एंड से पूछा जा रहा है कि जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको डिस्टेंस लर्निंग, यहाँ टीचर थे और यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, मतलब कि ट्रेनी थे, तो अब इस एंड में क्या कहलाएगा, टीचर एंड में क्या था, स्टूडियो था, आपको पता होगा मैंने क्वेश्चन कराया अभी जस्ट, तो ट्रेनी एंड इस साइड क्या कहलाएगा, ओके। तो इस साइड क्या कहते हैं हम लोग, स्पोक कहते हैं, ठीक है, स्पोक, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर लॉगिंग इन टू देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट एट द स्पेसिफिक टाइम इन द डैश, छात्र डैश में एक विशिष्ट समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉग इन करते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। जाहिर सी बात है देखिए जो भी फिक्स टाइम होता है उसी टाइम में आपको लॉग इन करना होता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ की ऑल ओवर इंडिया जो है वो उसी सेम टाइम में वो एग्जाम लिया जाता है ना। तो क्या है, ऑनलाइन जैसे कि यहाँ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी जो होता है उसमें फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम पे जो है वो क्लासेस या फिर वो जो है शिक्षा लर्निंग प्रोग्राम्स एक्टिव होगा। सेम उसी जैसे एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम आप लोग देते हैं वो सिस्टम है,
ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फिक्स टाइम ऑनलाइन लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो एड। अब ये ऑडियो एड के बारे में, वहाँ पे एक क्वेश्चन और आया था जहाँ की आपका विजुअल वाला था, विजुअल एड्स में था, तो वहाँ पे हम लोग जो है प्रोजेक्टर वाला ऑप्शन लगाए थे, है ना, ओवरहेड प्रोजेक्टर वाला लगाए थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ऑडियो एड में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा। सुन के ही आप इसमें अधिगम कर सकते हैं, सुन के आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन साथ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिक एड। अब यहाँ पे ग्राफिक एड के बारे में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी आलेखीय सहायक सामग्री है, आलेखीय मतलब कि ग्राफिकल, ग्राफिक्स। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, पहला है क्वेश्चन है कि चार्ट, ठीक है, पहला है चार्ट, फिर पोस्टर है, फिर यह चार्ट और पोस्टर दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ग्राफिकल फॉर्म में जो आपका जो है चार्ट होता है, पोस्टर होता है, वो ग्राफिकल फॉर्म में ही तो होता है ना, इमेज के फॉर्म में होता है, ग्राफ्स के फॉर्म में होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा इसका। 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्निंग मटेरियल। अब यहाँ पे जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि अधिगम सामग्री कौन सी है, ठीक है, लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन शीट, लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान और ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा इन्फॉर्मेशन शीट हो जाएगा, सूचना प्रपत्र। देखिए ये क्या होता है, अगर आप सेटिस कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोग खुद भी बनाए होंगे, जो कि लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान और लेसन प्लान वगैरह सबके अंदर जो है आपको इन्फॉर्मेशन शीट डालना होता है। तो लेसन प्लान जो होता है उसमें आपको हर चीज़ जो भी आपको पढ़ाना है, मान लीजिए कोई चैप्टर है उसका हर मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पर आप स्पॉट जो है कर सकते हैं, मतलब कि हिंट्स के तौर पर उन चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया लेसन प्लान, लेकिन लेसन प्लान के अंदर में ही इन्फॉर्मेशन शीट होता है जिसमें कि सभी कंसेप्ट डिटेल्ड वे में दिए हुए होते हैं। तो जो जहाँ पे जिस सीट में मान लीजिए पूरा इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन डिटेल वे में दिया गया है, उसी के थ्रू तो आप बच्चों को लर्न कराइएगा, लर्निंग मटेरियल्स के रूप में क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे, है ना। इसी से जो है बच्चे सीखेंगे, मतलब कि बहुत कंसेप्ट उनको समझ में आएगा, सब्जेक्ट मटेरियल के बारे में सब्जेक्ट्स उनको पता चल पाएगा अच्छे से। लेसन प्लान की, लेसन प्लान तो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन प्लान भी जो है जो भी आप डेमोन्स्ट्रेट कीजिएगा उसका, बस वहाँ पे प्लानिंग होता है जहाँ की मान लीजिए कि इक्विपमेंट्स क्या है, फिर जो है प्रोसेस क्या है, इन चीज़ों के बारे में उसमें दिया हो रहा था। इसका आंसर क्या चल जाएगा, सही, इन्फॉर्मेशन सेट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 62 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग WIM। तो ये तो मैंने WIM आपको बताया था, रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो कहलाता है इसका, फुल फॉर्म बताया था। इसमें कौन कौन सा फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए WIM जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। WIM तैयार करते समय किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, तो किस स्तर के ट्रेनिंग है पहले तो वो पता होना चाहिए आपका, है ना। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अभी ITI लेवल के लड़के हैं और आप जो है BTech लेवल का या डिप्लोमा लेवल का जो है वहाँ पे जो है मटेरियल्स तैयार कर दिए हैं, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको पहले ट्रेनिंग का स्तर पता होना चाहिए कि प्रशिक्षुओं के क्या स्तर हैं, वो पता होना चाहिए जब आप WIM तैयार कर रहे हैं, ठीक है, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जब आप तैयार कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें जो बताएंगे वो चीज़ मतलब कि वो समझ में ढंग से आए, और उसके बारे में सारा डाटा और चीज़ों का कलेक्ट करके आप ढंग से मतलब कि जो आपका उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। चलिए उसके बाद थर्ड है देखिए, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जानकारी का स्रोत, वो कहाँ से आप ये चीज़ों को तैयार किए हैं वो भी वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि कोई वेबसाइट का उपयोग किए हैं या फिर जो है बुक्स का यूज किए हैं, तो वो चीज़ें भी वहाँ पे रहनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला 63, इन WIM व्हाट डज M स्टैंड फॉर। तो मैं आप ही बता ही रहा था M के बारे में पूछा गया, क्या हो जाएगा ये, तो मटेरियल कहलाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, मटेरियल। उसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के द्वारा कौन सा सामग्री जो है तैयार किया जाता है, ठीक है, लेसन प्लान मैं आपको बता रहा था ये टीचर तैयार करता है, इन्फॉर्मेशन शीट जो कंटेंट्स है डिस्क्रिप्शन फॉर्म में वो भी टीचर तैयार करता है, ऑपरेशन शीट, ठीक है, ये भी टीचर ही तैयार करता है, लेकिन जो डेली डायरी होता है, ठीक है, डेली का जो डायरी है वो चीज़ कौन करता है तैयार, तो वो स्टूडेंट करता है, ठीक है, ये टीचर नहीं करते हैं, स्टूडेंट करते हैं। 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एसे टाइप टेस्ट। एसे टाइप टेस्ट के बारे में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा निबंध प्रकार का परीक्षण कहा जाता है, निबंध टाइप। तो देखिए सब्जेक्टिव जो होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर सब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसे टाइप टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट, परीक्षण का उद्देश्य पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शंस में, टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, जाहिर सी बात है जो लर्नर्स है
जो कि अधिगम अधिगम कर रहे हैं, वो कितना चीज़ों को समझ पाए हैं, कंसेप्ट को कितना समझ पाए हैं, उसके लिए टेस्ट लिया जाए तो पता चलेगा। टू इनकरेज लर्नर्स टू स्टडी, उसके बाद अध्ययन में प्रोत्साहन देने के लिए उनमें और रुचि आए, इनकरेजमेंट मिले उन्हें, उसके लिए भी टेस्ट लिया जाए। ठीक है, मान लीजिए नंबर कम आएगा तो कहेंगे एक मोटिवेशन आएगी और नंबर लाना है, या फिर उसके जो कलीग हैं वो नंबर ज़्यादा लाएंगे तो हो सकता है कि उनसे भी मोटिवेशन उनको मिले, इनकरेजमेंट आए। थर्ड देखिए, टू गाइड द लर्नर्स बाय नोइंग देयर वीक पॉइंट। और थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लर्नर्स है उसको आप गाइड कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम हुआ, कोई भी टेस्ट हुआ, उसमें जो भी वीक पॉइंट्स थे वो पता चलेगा, एग्जाम होने के बाद ही तो पता चलेगा कि वीक पॉइंट्स क्या है। तो जो जो अधिगम कर रहे हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको आप प्रॉपर वे में गाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब इसमें बोला जाए कि कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट का प्रकार नहीं है। तो देखिए फिल में ब्लैंक्स तो है, उसके बाद फिर ट्रू फॉल्स भी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, मैचिंग जो होता है, मैच द फॉलोइंग, ये सब भी जो है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आता है। बच गया क्या, एक्सप्लेनेशन टाइप, व्याख्या प्रकार का, तो ये वाला जो है क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होकर सब्जेक्टिव हो जाता है। तो ऑप्शन चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ एक्सीडेंट। निम्नलिखित में कौन सा दुर्घटना का एक कारक है। ठीक है, दुर्घटना किस कारण से होता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए, वर्क ऑन अ सेफ मशीन, तो अगर आप सुरक्षित मशीन पर कार्य करिएगा तो एक्सीडेंट तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फॉलोइंग ऑल सेफ्टी रूल, अगर आप सारे सुरक्षा नियमों का आप पालन कर रहे हैं तो एक्सीडेंट ना के बराबर होगा। यूजिंग सेफ्टी अपैरल्स वाइल वर्किंग, अगर आप सुरक्षा साज सामानों का आप उपयोग कर रहे हैं तो उस केस में भी ना के बराबर एक्सीडेंट होगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी दिखाइएगा कार्य में, हरी टू वर्क अगर रहेगा आपको, तो उस केस में एक्सीडेंट्स हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, ऑप्शन डी। 69, हु डेवलप्ड द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल लर्निंग। कहा जा रहा है शैक्षणिक अधिगम का वर्गीकरण किसने विकसित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, बेंजामिन ब्लूम्स। तो देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल लर्निंग जो है कौन दिया था, तो ये आपके जो बेंजामिन ब्लूम्स हैं वही दिए थे। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हाउस कीपिंग। निम्नलिखित में कौन सा जो है गृह व्यवस्था से संबंधित है। देखिए असाइनमेंट, WIM, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें नहीं है होंगी। ठीक है, हाउस कीपिंग में ये चीज़ें आती हैं कि आप कितना साफ सुथरा रखते हैं, मतलब जहाँ भी आप, सिर्फ हाउस कीपिंग वर्कशॉप के लिए नहीं होता है, हाउस कीपिंग आपका जो है कहीं भी हो सकता है, दफ्तर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, स्कूल हो सकता है, घर हो सकता है। तो वहाँ पे हाउस कीपिंग में क्या क्या आता है, एक क्वेश्चन इस पर आया भी था, क्लीननेस आएगा, साफ सुथरा, उसके बाद कितना आप जो है सजा के रखते हैं सामानों को, ठीक है वो हो जाएगा, उस पर स्पेस कितना देते हैं, स्पेस होना चाहिए स्टोर जहाँ है, तो वो पार्ट्स आ जाएंगे इसमें, किसमें, हाउस कीपिंग में। आंसर हो जाएगा क्लीननेस, यहाँ पे एक ही ऑप्शन लगा देंगे क्लीननेस में। 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द गुड वर्कशॉप। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे कार्यशाला के साथ संबंधित है। तो देखिए फायर एक्सटिंग्विशर जो है एक अच्छे वर्कशॉप में तो होना ही चाहिए, फर्स्ट एड भी होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा होना चाहिए, सेफ्टी बोर्ड, सुरक्षा बोर्ड भी होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, सभी जो है सही है यहाँ पे। 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर। निम्नलिखित में कौन से एक अच्छे परामर्श दाता का गुण नहीं है। ठीक है, तो गुड काउंसलर का जो है एक, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया पहली बार, क्योंकि मैं आपको बताया था दो बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है, गुड काउंसलर जो होते हैं, मतलब कि जो अच्छे परामर्श जो देते हैं, उससे रिलेटेड इसमें दो क्वेश्चन है फिलहाल के लिए। एक तो था कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए उन्हें, और दूसरा सिंपैथी उनको नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, सहानुभूति, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ही शुड बी सिंपैथेटिक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए नॉट लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, उसे सहानुभूतिपूर्ण नहीं होना चाहिए, मतलब कि होना चाहिए एक तरह से, यहाँ पे नॉट लगा इसलिए क्या दिया है, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए स्वॉट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट। तो इसका क्वेश्चन पहले करा रखे हैं, इसका फुल फॉर्म भी आपको बताए थे, जहाँ की एस था स्ट्रेंथ, डब्ल्यू था वीकनेस, फिर ओ जो है अपॉर्चुनिटी, और टी होता है थ्रेट। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सा इसमें नहीं होता है। देखिए तो विलिंगनेस जो है, विलिंगनेस तो मैंने नहीं बताया था आप लोग को, डब्ल्यू फॉर क्या होता है, वीकनेस होता है, इसलिए क्या लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका गलत में।
74 देखिए, फोकसिंग इन डेप्थ ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स इन द सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, जांच पड़ताल कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं इसको हम लोग, जांच पड़ताल कहते हैं, प्रॉबिंग इंग्लिश में कहा जाता है, प्रॉबिंग। क्वेश्चन अगला देखिए 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक दैट इज हेल्पफुल फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू हैव, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता एक उद्यमी के लिए उपयोगी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एरोगेंस, अभिमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कोई व्यवसायी हैं, अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं और उनमें एरोगेंट की भावना आ जाए, अभिमान आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि घमंड जिसको कहते हैं एक तरह से, उसके कारण उनका जो बिजनेस है बहुत नुकसान में भी जा सकता है। इसलिए चाहे इसी क्षेत्र में नहीं, एंटरप्रेन्योर के लिए ही सिर्फ नहीं, बाकी सभी कार्यों में जो है अभिमान जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक तनाव नहीं है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड में थोड़ा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर, फिजियोलॉजिकल है यहाँ पे, इनमें से कौन सा क्रियात्मक तनाव नहीं है। ठीक है, क्रियात्मक वर्ड यहाँ लगाया गया है, तो क्रियात्मक जो वर्ड है, ठीक है, क्रियात्मक मतलब कि कहीं ना कहीं काम से रिलेटेड है, वो वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो वर्क वाला इस तरह से ऑप्शन ढूंढिए। देखिए, मेनोपॉज जो होता है, राजनिवृत्ति या फिर गिविंग बर्थ, ये सभी क्या है, क्रियात्मक है, या फिर स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, ये सभी आ जाएंगे आपके क्रियात्मक में आएंगे। ठीक है, क्रियात्मक तनाव में आएंगे ये सभी। ओके, बट लॉस ऑफ लव्ड वन, प्रियजन की मृत्यु जो होती है, ये क्या हो जाएगा आपका, एक तरह से ये क्रियात्मक फिजिकल रूप से नहीं है। ठीक है, जो जैसे कि यहाँ पे फिजियोलॉजिकल है वर्ड लिखा हुआ, उस तरह का ये चीज़ें नहीं, यहाँ पे क्या है, ये आपका कहीं ना कहीं मानसिक रूप से फीलिंग्स का बात होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेंटली यहाँ पे जो है मेंटल रूप से स्ट्रेस जो होता है वो लॉस ऑफ लव्ड वन के कारण आएगा। मेंटली आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहिएगा अगर आपके कोई परिजन जो है उनकी मृत्यु हो गई है तो। ठीक है, तो जहाँ पे आपको इस तरह का वर्ड दिखेगा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर, तो वहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन लगाना है। और दूसरा यहाँ पे देखिए 36 या इसमें आया हुआ है क्वेश्चन एक है, हाँ देखिए 34 नंबर क्वेश्चन था, तो इसमें कर रहा है इज नॉट ए सोशल स्ट्रेसर, तो इनमें कौन सा, सामाजिक तनाव नहीं है। तो सामाजिक तनाव में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, देखिए यहाँ पे जो है मेंटल से कहीं कहीं मतलब कि जुड़ा हो, मतलब मानसिक रूप से चीज़ें जो है जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ लव्ड वन, फाइनेंस प्रॉब्लम, जॉब इंटरव्यू, तो ये सभी आ जाएगा आपका मानसिक रूप वाले में, बट ये जो मेनोपॉज होता है ये आपका फिजिकल वाले पार्ट में आएगा, मतलब क्रियात्मक वाले टर्म में आ जाएगा ये वाला, इसलिए इसका ऑप्शन ये लग गया था। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका आंसर हो गया रीजन की मृत्यु। अगला क्वेश्चन 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, निम्नलिखित में कौन सा अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है, तो यहाँ देख लीजिए इंट्रोवर्ट, डेडिकेशन, ओपननेस, क्रिएटिविटी, तो एक अच्छे लीडर का कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, जाहिर बात है अंतर्मुखी उनको नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई भी बात है उनको मन में अगर रखे रहेंगे तो फिर जो है गड़बड़ हो सकता है, इसलिए वो जो है इस गुड लीडरशिप का क्वालिटी नहीं होता है। और डेडिकेशन ये सब तो होना ही चाहिए, लाइक समर्पण होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए, ओपन, तो इसका उल्टा एक तरह से इंट्रोवर्ट का जो है ओपननेस होता है। उस पर क्रिएटिविटी देख लीजिए, सृजनात्मकता भी उनमें होनी चाहिए, क्रिएटिविटी उनमें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर सवाल है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन बाइट, वन बाइट, ठीक है, तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो जाहिर बात है 8 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, तो परमानेंट मेमोरी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ROM, ठीक है, ROM को, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसका हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, और RAM होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन 80 देखिए, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज डैश कम्युनिकेशन, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक डैश संचार है, तो क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन कहलाता है, टू वे, द्वि मार्गीय। 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है, ठीक है,
तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, इट मस्ट हैव ए डिफिनेट सिलेबस कोर्स प्रिस्क्राइब टाइम ETC, हिंदी में है, इसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम कोर्स निर्धारित समय आदि होना चाहिए। उसके बाद है देखिए, गाइडेंस इज इसेंशियल, इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, मार्गदर्शन आवश्यक होता है, यह समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। थर्ड है एक्वायर्ड इन एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान में प्राप्त किया जाता है। चौथा है चॉइस ऑफ फील्ड इज अवेलेबल, क्षेत्र का विकल्प उपलब्ध होता है। और समझ लीजिए फॉर्मल शिक्षा का यहाँ बात कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको इनफॉर्मल के बारे में बताया था और फॉर्मल के बारे में स्टार्टिंग में बताया था कि जो फॉर्मल शिक्षा क्या होता है, जहाँ की एक सिस्टम होता है, सिस्टम से चलते हैं लोग, जहाँ की एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, कोई कोर्स होता है, ठीक है, तो फॉर्मल एडुकेशन, जैसे कि 10वीं की शिक्षा वो क्या है, फॉर्मल एडुकेशन है। ITI का शिक्षा क्या है, फॉर्मल एडुकेशन है। तो वहाँ पर देखिए सिलेबस होगा, कोर्स होगा, प्रिस्क्राइब सभी कुछ होंगे। उसके बाद फिर यहाँ इंस्टीट्यूशन में आप जाके लेते हैं, घर वगैरह में आप इन चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं, ठीक है, फिर समाज भी आपको इन चीज़ों को नहीं सिखाएगा। चॉइस ऑफ फील्ड जो है अवेलेबल होता है, पर यहाँ पे ऑप्शन कौन सा कटेगा, देखिए गाइडेंस इज इसेंशियल, ठीक है, और इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और ये क्या है, यह समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जो कि फॉर्मल एडुकेशन का एक पैरामीटर नहीं होता है, तो ऑप्शन चल जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज फाउंडेड इन, देखिए यहाँ पे ईयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको ईस्वी जो है याद रखना है, तिथि को याद रखना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज फाउंड इन कब, तो 2015, ठीक है। इसी तरह से पहले भी जो है क्वेश्चन आए हुए थे, तो देखिए यहाँ पे जो था क्वेश्चन, नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो कब था, 2015 था, और ये वाला जो क्वेश्चन अभी कराए हैं उसका भी 2015 ही आंसर है। उसमें NSDC का कब था, 2009 था, ठीक है, तो इस तरह से साथ में याद रखिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। तो NPSDE दे या फिर जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दे, मतलब MSDE हो, उसका दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 2015 ही होगा, ठीक है। तो MSDE आप लोगों को पता भी होगा, MSDE, तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, इसका आंसर हो जाएगा 2015 में फाउंड हुआ था, मतलब स्टेब्लिश हुआ था। देखिए 83, कॉमन डिफेक्ट इन इंस्ट्रक्शंस आर, तो अनुदेशक जो होते हैं के सामान्य दोष क्या क्या है, ठीक है, तो ऑप्शन वन है फेलियर टू सेट एग्जाम्पल फॉर ट्रेनिंग, तो ये डिफेक्ट में आएगा ही, जाहिर सी बात है कि प्रशिक्षुओं, मान लीजिए ट्रेनीज हैं, उनको अगर उदाहरण स्थापित करने में विफल हो रहे हैं, उदाहरण के साथ नहीं समझा पा रहे, तो वो एक उनका एक डिफेक्ट है। फेलियर टू प्लान ए लेसन प्रॉपरली, एक पाठ की उचित योजना बनाने में अगर विफलता हो रही है उनको, या फिर बैड मैनर से उनका खराब आचरण है, या फिर देखिए जो है फेलियर टू गेंग द स्टैंडर्ड ऑफ द ट्रेनीज, प्रशिक्षकों के स्तर के आकलन में विफलता अगर कर पा रहे हैं, मतलब कि उनका स्तर, प्रशिक्षक जो ट्रेनीज हैं उनका स्तर को वो आकलन नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में भी फेलियर कहलाएगा। आंसर इनका क्या हो जाएगा, सारा ही हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सारा डिफेक्ट के अंतर्गत ही आएगा। 84 देखिए, हमें मैच द फॉलोइंग करना है आपको, तो देखिए सबसे पहले आँख जो होता है आई, ठीक है, तो आई क्या करता है, रिसीव इन्फॉर्मेशन चेंजेस देम टू नर्व इम्पल्स, मतलब क्या इसका काम है, प्राप्त सूचना उन्हें तांत्रिक आवेगों में परिवर्तित कर देती है, ठीक है, जाहिर सी बात है जो भी आपको सूचना प्राप्त होता है वो नर्व्स इम्पल्स के जरिए वो जो है आपके मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो ये आँख का काम है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ब्रेन है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में ब्रेन है, तो ब्रेन का काम क्या है, देखिए ब्रेन का काम है ऑब्जर्व वेरीफाइज एंड डिवाइज्ड एक्शन, और तीसरा है लिम्स, ठीक है, मतलब अंग, इसका काम क्या है, हैंडलेस थ्रू मस्कुलर मूवमेंट, मतलब मांसपेशीय गति से संभालना जाता है, तो आंसर इसका चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए चले जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 85 है, डैश इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट इज अ सुप्रीम पावर विच कंट्रोल ऑल आवर मेंटल ट्रेट्स, मतलब कि अमूर्त विचार, ठीक है, अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता, यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे सभी मानसिक लक्षणों को नियंत्रित करती है, तो क्या कहेंगे उसको, देखिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, बुद्धि कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस। आइए क्वेश्चन 86, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लर्निंग डैश इज एन एनालॉगी ऑफ द लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, अधिगम के नियम के अनुसार डैश संतुष्टि के नियम के अनुरूप रखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट, क्या होगा इसका, प्रभाव का निगम, प्रभाव का नियम कहलाता है, सॉरी
ठीक है, तो हो जाएगा लॉ ऑफ इफेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन 87, स्टीम ऑफ द अदर थ्रू स्टेटस रिकॉग्नाइजेशन अप्रिसिएशन ईटीसी एंड इंटरनल फैक्टर सच एज सेल्फ रेस्पेक्ट अचीवमेंट एंड ऑटोनॉमी बिलोंग्स टू। तो कहा गया है देखिए, प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों का सम्मान, अभिज्ञान, अभिमूल्यन इत्यादि और आत्मसम्मान, उपलब्धि और स्वायत्तता जैसे आंतरिक कारक डैश से संबंधित होते हैं। तो ये सभी जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं आप, रिकॉग्नाइजेशन हो जाए, अप्रिसिएशन हो जाए, इंटरनल फैक्टर्स, सेल्फ रेस्पेक्ट हो गया, ये सभी चीज़ किस में आएगा? स्टीम नीड्स में आएगा, सम्मान की आवश्यकता में आएगा। ठीक है, सम्मान की आवश्यकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, व्हाइल एनालाइजिंग द सिलेबस एटीट्यूड एक्सपेक्टेड टू बी डेवलप्ड इन इज रिलेटेड टू पाठ्यक्रम का, देखिए हिंदी में दिया है, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने की अपेक्षा रखने वाली अभिवृत्ति डैश से संबंधित होती है। तो किससे होगी? बींग से होगी, मतलब कि अस्तित्व से। ठीक है, बींग से या फिर हिंदी में अस्तित्व से हो जाएगा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन 89, विथ रेफरेंस टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर, देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, डैश प्राइस ऑफ पेट्रोल कहा जा रहा है। देखिए संबंधित सूचना के संदर्भ में एक मोटर कार चालक पेट्रोल की कीमत को, अब देखिए यहाँ पे तीन क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? पेट्रोल कीमत को जान सकता है ना, तो इसमें ऐसा नहीं कि अवश्य जानना चाहिए या फिर जानना चाहिए, क्योंकि तो चेंज होता है ना रेट जो है पेट्रोल का, तो इसमें क्या है? कुड नो, जान सकता है। पर यह अगर बात कर दे जो ड्राइविंग स्किल्स है, ड्राइविंग टेक्निक्स है, तो उसमें क्या हो जाएगा? अवश्य जानना चाहिए। अगर बात कर देते हैं हम लोग गियर और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो हो जाता है जानना चाहिए, शुड नो। और थर्ड है पेट्रोल के बारे में, तो जान सकता है। चलिए 90, कम्युनिकेशन बिटवीन हब एंड स्पोक प्रोग्राम और डिजिटी इज डन थ्रू डैश। ठीक है, तो डिजिटी के हब और स्पोक कार्यक्रम के बीच संचार डैश के माध्यम से किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था कि जो डिजिटी का जो ये प्रोग्राम जो चलता है उसमें ये चीज़ें कहाँ से, मतलब कैसे संचालित की जाती हैं। तो यहाँ ऑप्शंस देख लीजिए, ए व्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, टू वे ऑडियो वीडियो एंड डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो ये सभी जितने भी है ना, सभी ऑप्शंस सही हैं। इन्हीं जो जितने ऑप्शंस देख रहे हैं, इन्हीं सबके थ्रू जो है डिजिटी का प्रोग्राम चलता है, जो कि हब एंड स्पोक प्रोग्राम कहलाता है, वो इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू चलता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 91, डैश इज इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अब यहाँ पे इसी तरह का क्वेश्चन एक था जहाँ की पुअर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट वाला क्वेश्चन था, जहाँ की पुअर कम्युनिकेशन था, लेकिन यहाँ पे क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। पुअर वाले का आंसर क्या था? ए सिंक्रोनाइजेशन टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम था उसका, पुअर वाले का। बट यहाँ पे जब इफेक्टिव हो जाएगा, जब बहुत अच्छे ढंग से जब टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो है कम्युनिकेशन आदान प्रदान होगा, टीचर जो बोलेंगे स्टूडेंट अच्छे समझेंगे, और स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पूछेंगे टीचर भी समझ के अच्छे से जवाब देंगे, उस केस में क्या हो जाएगा? सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, मतलब कि तुल्यकालिक प्रकार का दुरुस्त शिक्षा कार्यक्रम इसका राइट आंसर चले जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 92, ए व्यू सॉफ्टवेयर यूज इन द हब एंड स्पोक प्रोग्राम ऑफ डिजिटी इज डेवलप्ड बाय। अब ये जो सॉफ्टवेयर है जो कि हब और जो स्पोक प्रोग्राम में डिजिटी के द्वारा जो बनाया गया है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो देखिए इसका ध्यान रखिएगा, अमृता यूनिवर्सिटी कॉम्बेटोर जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑडियो विजुअल एड। तो इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों ही इसमें जो है सामग्री का यूज किया जाता है। तो रेडियो तो आपको वन वे है, मतलब कि सिर्फ ऑडियो हो जाता है, चॉकबोर्ड हो गया आपका, विजुअल हो जाता है, सीसीटीवी जो होता है, ये दोनों ही होता है। ठीक है, मतलब ऑडियो विजुअल दोनों होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्री डायमेंशनल एड। थ्री डायमेंशनल के बारे में बोला जा रहा है, कौन सा थ्री डायमेंशनल जो है सामग्री है, सहायक सामग्री है पढ़ाने के दरमियान। तो पोस्टर जो होता है तो 2D में, आप 2D एक तरह से कहलाएगा, चार्ट भी 2D है, लेकिन मॉडल जो होता है ना आपका, मॉडल 3D होता है, इसको चारों साइड से आप देख सकते हैं। ठीक है, थर्मोकोल वगैरह का भी मॉडल बना सकते हैं, लकड़ी को या किसी भी चीज़ का, प्लास्टिक का मॉडल बना सकते हैं। 95 देखिए, व्हाट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ चॉकबोर्ड। चॉकबोर्ड का सबसे बड़ा हानि क्या है? देखिए चॉकबोर्ड का जो है सबसे बड़ा जो है डिसएडवांटेज, जो सबसे बड़ा हानि है वो क्या है? डाटा इज ईजी टू एडिट। जाहिर सी बात है, जो भी डाटा है, जो भी आप कुछ लिखे हैं, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा क्या है? दोष है, एक प्रकार सबसे बड़ा हानि है। ठीक है, तो ऑप्शन चले जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 96 देखिए,
डैश इज द बैरियर ऑफ वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो डैश मौखिक कक्षा गृह संचार का एक अवरोध है। तो देखिए, मौखिक कक्षा गृह संचार के दौरान एक सबसे बड़ा जो बैरियर होता है वो स्पीड का वेरिएशन। जब आप कुछ व्याख्यान करते हैं, जब आप कुछ समझाते हैं, जब कुछ आप बोलते हैं, जैसे एक टीचर जब कुछ बोलते हैं, उस टाइम अगर वो असामान्य गति से बोलते हैं, स्पीड में उनका वेरिएशन होता है, तो वो एक बैरियर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, कभी स्पीड से बोल दिए, कभी फास्ट बोल दिए, कभी जो है स्लो बोल दिए, तो ये बैरियर के कैटेगरी में आएगा। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्लानिंग सेशन, टीचिंग सेशन, बोथ प्लानिंग एंड टीचिंग सेशन, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, बोथ प्लानिंग एंड टीचिंग सेशन, यहाँ पे दोनों ही हो जाएगा। क्या, माइक्रो टीचिंग के अंदर में दोनों चीज आता है, मतलब योजना भी और शिक्षण भी। 98 डैश आर जनरली यूज टू टीच बेसिक स्किल्स। सामान्यतः मूलभूत कौशल शिक्षण हेतु डैश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्किल देने के दरमियान, ठीक है, बेसिक स्किल देने के दरमियान जो है किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो ऑपरेशन सीट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, परिचालन पत्रक का यूज किया जाता है। जैसे कि बेसिक स्किल, मान लीजिए कोई मशीन को चलाना है, तो उसके लिए ऑपरेशन सीट बनाया जाता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद कौन सा स्टेप लिया जाएगा मशीन को चलाने के लिए, उसमें स्टेप्स दिए जाते हैं, तो वो ऑपरेशन सीट के कैटेगरी में जाएगा। ओके, 99 इन WIM आई स्टैंड फॉर। अब WIM देखिए, क्वेश्चन तीनों दे दिया, तो आई का बोला जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म इंस्ट्रक्शनल हो जाता है इसका फुल फॉर्म। देखिए सभी कन्फ्यूजिंग ही है, इसलिए आंसर याद रखिए इंस्ट्रक्शनल। ठीक है, ऐसे भी सबसे बड़ा लेटर वाला जो वर्ड है वही मान लीजिएगा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए सबसे बड़ा यही है, इंस्ट्रक्शनल। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में हम लोग आगे के 100 क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीट इज प्रिपेयर्ड बाय इंस्ट्रक्टर, कौन सा सीट अनुदेशक द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए, मैंने इसका जवाब ऑलरेडी आपको दे रखा है, ऑपरेशन सीट, इंफॉर्मेशन सीट, असाइनमेंट सीट, सभी किसके द्वारा बनाया जाता है, ये सभी जो है टीचर के द्वारा, इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये स्टूडेंट्स की बात करें ट्रेनिंग का, तो फिर डेली डायरी जो होता है वो स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया जाता है। तो आज का जो हमारा सेशन था, जो कि पार्ट वन था आपका POT का, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का, यहीं पे एंड हो रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोग को जो सेशन है बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही समझा के आपको समझाए हैं इन चीज़ों को। तो चलिए आप लोग से फिर मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा आप लोग को लगा है, और जो है बिल्कुल इन चीज़ों को रिपीट करके आप लोग देखिए, आप लोग एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। CITS का अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सेशन के हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले सेशन में। CITS के हर एक अपडेट, ITI के हर एक अपडेट, चाहे जॉब अपडेट से अपडेट, सभी अपडेट्स आपको चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।